Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्या। आइए रुख करते हैं मेरठ के कुछ खास खबरों की ओर। मेरठ में सोतीगंज का हाजी इकबाल कबाड़ी अब पुलिस के निशाने पर आ गया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस कबाड़ी की संपत्ति की जांच कराई तो पता चला कि यह कबाड़ी हाजी गल्ला के बाद दूसरा बड़ा कबाड़ी है, जिसने अवैध तरीके से धन अर्जित कर कई करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। पुलिस ने इसके दो मकानों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है, जिनमें एक कोठी 3 करोड़ रुपए की है। मेरठ में डेंगू पीड़ितों के तीमारदार प्लेटलेट्स के लिए प्राइवेट लैब में धक्के खा रहे। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक साल से रखी ब्लड सेपरेटर मशीन पर धूल चढ़ गई है। डेंगू का पीक सीजन पूरा होकर अब कमी आई है, लेकिन मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए 4 गुने दाम देने पड़ रहे हैं। यूपी के हापुड़ जिले की सीमा में गंगा किनारे गढ़ मुक्तेश्वर में दीपदान को लेकर आज तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में शुमार गढ़ मेले को अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते दीपदान भी नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार शासन ने जब गढ़ गंगा मेले की अनुमति दी तो करीब 8 किलोमीटर की लंबाई में तंबू की नगरी बस गई। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने का अनुमान है। मेरठ के आईएमटी कॉलेज गंगानगर में चल रहे 2 दिवसीय रोजगार मेले में बृहस्पतिवार 18 नवंबर को टेक्निकल पदों के लिए भर्तियां होंगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और रिपेयरिंग फील्ड से जुड़े युवा 18 नवंबर को मेले में आकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 नवंबर को शुरू हुए रोजगार मेले में पहले दिन 1557 युवाओं के लिए नौकरी की संभावना बनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई की लिखित परीक्षा में पिछले 3 दिन में मेरठ में सेंधमारी की कोशिश की गई। बुधवार को शाम की पाली की परीक्षा से पहले कंकरखेड़ा से 2 युवकों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिनके पास से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए गए। इनमें एक आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो सलवर गैंग चलाता है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर एसपी सिटी विनीत भटनागर और एसपी क्राइम अनित कुमार ने भी दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। रात तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मेरठ के खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टुडे 24।